भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, 21 किलोमीटर से ज्यादा लंबा 6 लेन वाला पुल, 2 घंटे की दूरी हुई 20 मिनट। यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बना अटल सेतु, भारत में पिछले कई वर्षों से विकास आसमान छू रहा है। देश सर्व सुविधा युक्त होने के साथ ही हाईटेक बनता जा रहा है। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेवल सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में सरकार ने देश को सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु दिया है। तस्वीरों में आप अटल सेतु की बेहतरीन झलक देख सकते हैं। माया नगरी मुंबई के विशाल समुद्र पर ट्रांस हार्बर लिंक पर बना है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु नाम दिया है। 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी गई थी और अब ये बनकर तैयार है। चलिए अब आपको अटल सेतु की खासियत बताते हैं। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। इसकी लागत 17,840 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। समुद्र के ऊपर पुल की लंबाई लगभग 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर पुल की लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। मुंबई और नवी मुंबई की दूरी 2 घंटे से 20 मिनट की होगी। दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी देगा। पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा कम होगी। ट्रांस हार्बर लिंक से लंबे ट्रैफिक जाम से अब राहत मिलेगी। इस पर वन वे ट्रैवल टोल 250 रुपए होगा, राउंड ट्रिप ट्रैवल टोल 375 रुपए होगा। हार्बर लिंक का मंथली पास 12,500 रुपए का होगा। अटल सेतु की खासियत जानने के बाद आप भी जरूर समंदर पर बने भारत के सबसे लंबे पुल पर चलना चाहेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दे कि भारत के इस लंबे समुद्री पुल पर सभी गाड़ियाँ नहीं चल पाएगी, क्योंकि कुछ गाड़ियों को इस पर चलने की अनुमति नहीं है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर को समुद्री पुल पर चलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही मुंबई की ओर जाने वाले मल्टी एक्सल भारी वाहनों, ट्रकों और बसों को ईस्टर्न फ्रीवे पर प्रवेश नहीं मिल पाएगा। हाँ, आप अपनी गाड़ी से जरूर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लिमिट है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर चार पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। अटल सेतु से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।